हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल नेल आर्ट, जो कि अभी तक हमने इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो आज आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है हमारी इस वीडियो में। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बेल आइकन ज़रूर दबा देना गाइस सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपके पास हमारी एवरी एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आती रहे। सो चलिए आइए स्टार्ट करें। सो गाइज, ये हमारे नेल्स हमने किए हुए थे लास्ट वीडियो में। आई होप आपने देख ही लिया होगा कि नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं। फॉर द बिगिनर्स मैंने वो लास्ट वीडियो बनाई थी, और आगे के स्टेप्स हैं हम इसमें करेंगे डिज़ाइनिंग का पार्ट स्टार्ट। सो ये डिज़ाइन हमें क्रिएट करना है, और उसके लिए हम सबसे पहले जो हमने यूवी टोपर लास्ट वीडियो में लगाई थी उसे हम ओपन कर देंगे, सीलर को ओपन कर देंगे, और सभी नेल्स को जो है इस तरीके से ब्लो पफर की हेल्प से ब्लो पफ करेंगे, अच्छे से ड्राई करेंगे ताकि कहीं भी कोई भी शाइन ना रह जाए। सो पहले मैंने किया है हार्ड ब्लो पफ, और अब मैं कर रही हूँ सॉफ्ट ब्लो पफर से ब्लो पफ, ताकि मुझे अगर हल्का सा भी ज़रा कहीं से भी शाइनिंग रह जाए तो हमारा ये जो सॉफ्ट ब्लो पफर है उसे भी अच्छे से ड्राई कर दे। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है गाइस, क्योंकि हार्ड ब्लो पफर ज़्यादा ब्लो पफ कर देता है एक्सट्रीम लेवल पे, तो वहाँ पर हम जो है सॉफ्ट ब्लो पफर को यूज़ करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसके बाद का जो स्टेप है हमारा है, हम सभी नेल्स की डस्ट को क्लीन करने के बाद अप्लाई करेंगे नेचुरल कलर। सो ये जीके के ब्रांड का नेचुरल पिंक कलर है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है गाइस, ये जेल पॉलिश है और इसका स्टे काफ़ी अच्छा है, और सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी ही हमें अप्लाई करनी पड़ती है पूरे नेल पर। तो इतना ज़रा ज़रा सा लगाकर हम जो है पूरे नेल पर अपने ब्रश की हेल्प से इसे हम फैला देंगे। सो गाइज, ये जो नेचुरल पिंक कलर है इसे मैं डायरेक्ट जेल पॉलिश वाले ब्रश से अप्लाई नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मैंने एक अलग से ब्रश रखा हुआ है, और उस ब्रश को मैं सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल पिंक कलर एप्लीकेशन के लिए ही यूज़ करती हूँ, ताकि कोई और कलर पिगमेंट इसमें ना आ जाए। और सभी नेल्स पर एक साथ अप्लाई करके हम अब जो है इसे क्योर करवा देंगे। सो गाइज, हमारा नेचुरल पिंक कलर जो है क्योर होके बिल्कुल रेडी है 100%, और अब बारी है हमारे इसे क्योर करने के बाद इसके ऊपर डिज़ाइनिंग पार्ट स्टार्ट करने की। सो गाइज, ये जो डिज़ाइन हमारे क्लाइंट ने हमें दिखाया है, ये हमें एज इट इज़ बनाना है विद नेचुरल पिंक, वाइट कलर एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशंस में लाइनिंग वर्क विद ज्योमेट्रिकल आर्ट। सो चलिए आइए स्टार्ट करें। तो गाइस, इसमें ना बहुत ध्यान रखना है हर एक डिज़ाइन के डायरेक्शंस का, क्योंकि कहीं पर ब्लैक के ऊपर वाइट आ रहा है और कहीं पर वाइट के ऊपर ब्लैक। सो मेक श्योर इस डिज़ाइन को समझ के करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो है ब्लैक कलर अप्लाई कर रहे हैं, और इसे अप्लाई करने के बाद जो है वन बाय वन करके बाकी नेल्स पर भी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है, तो एक ही बार हम अपनी जेल पॉलिश ब्लैक कलर की जेल पॉलिश से और अपने ब्रश आर्ट वाले ब्रश से हम इसे इस तरीके से अप्लाई कर देंगे जहाँ जहाँ पर भी हमें ये डिज़ाइन क्रिएट करना है, और इसे अप्लाई करने के बाद जो हम इसे क्योर करवा देंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट हैंड में किया, ऐसे ही दूसरे हाथ में हम ऑपोजिट डायरेक्शन को लेकर डिज़ाइन को ध्यान में रखकर सेम उसी तरीके से ब्लैक की फर्स्ट कोट अप्लाई कर देंगे और इसे क्योर करवा देंगे। और अब बारी है हमारी इसी कोट को डबल लेयर करने की,
दैट मीन्स हमें इसे थोड़ा डार्क करना है, क्योंकि फर्स्ट कोट में हमारा 100% कवरेज नहीं हो रही है, ट्रांसलूसेंट वर्क आ रहा है. बट मेक श्योर गाइज जो आप प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल पतले पतले करें. तो इस तरीके से हम जो है अब सभी नेल्स के ऊपर जो हमने ब्लैक का डिज़ाइन बनाया था, तो सेम उसी तरीके से ही अपने ब्रश की हेल्प से और ब्लैक जेल पॉलिश की हेल्प से सेकेंड कोट कर देंगे. और इसे कम्प्लीट करने के बाद जो है हम इसे भी क्योर करवा देंगे. सो हमारा सेकेंड कोट ऑफ ब्लैक जेल पॉलिश भी होकर क्योर होकर रेडी हो चुका है. और अब बारी है हमें इसके ऊपर ऐड करने की वाइट कलर. सो वाइट कलर के लिए भी गाइज मैं वाइट जेल पॉलिश ही यूज़ कर रही हूँ. अब आप सोचेंगे कि बहुत सारी वीडियोस में मैं एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करती हूँ, बट गाइज ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम आप एक्रेलिक पेंट से ही अपने काम को ईजी करें, क्योंकि सम टाइम इट हैपन्स कि वो स्टे नहीं करता है. सो वहाँ पर हमें जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जेल पॉलिश के साथ ही वर्क करें. और क्योंकि हमारा नेल बेड सरफेस एकदम स्मूथ है, सो दैट्स व्हाई हम वाइट के साथ इस तरीके से डायरेक्टली अपनी जेल पॉलिश के साथ भी वर्क कर सकते हैं. सो गाइज इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, अगर आपका ब्रश में होल्ड बहुत अच्छा है तो आप चाहे एक्रेलिक पेंट से या जेल पॉलिश से किसी के साथ भी इस वर्क को बना सकते हो. सो हमारी फर्स्ट कोट ऑफ वाइट पॉलिश का जो डिज़ाइन है आप देख सकते हो कितना नीट आ रहा है. सो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है और अब हम जो है इसे क्योर करवा देंगे. और क्योर करवाने से गाइज पहले प्लीज़ ध्यान रखना कि आपका प्रोडक्ट एकदम पतला पतला एप्लीकेशन हो और कहीं पर भी कुछ भी गैप ना रह जाए, या फिर आपकी जो लाइन है टेढ़ी ना हो कहीं से भी, प्रॉपरली फुल्ली फिल्ड रहे, पतली पतली कोट रहे. और अब हम जो है इसे क्योर करवा देते हैं. और क्योर करवाने के बाद जो है गाइज अब बारी है इसके ऊपर हमें यूवी टोकट अप्लाई करने की. तो अब हम जो है बट यूवी टोकर लगाने से पहले आप देखिए हम जो वाइट है जहाँ जहाँ पर भी ट्रांसलूसेंट आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम सेकेंड कोट ऑफ वाइट जेल पॉलिश भी दे सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा इन्हेंस होके दिखे. सो मेक श्योर क्योंकि हमें इस डिज़ाइन को मैट करना है, तो सेकेंड कोट ऑफ वाइट करने के बाद हम इसे जो है क्योर करवा देंगे. और क्योर कराने के बाद जो है अब बारी है सभी नेल्स को सील करने की. तो इस तरीके से यूवी टॉप कोट लगाएंगे, मैट यूवी टॉप कोट. आप ग्लॉसी की लुक तो देख ही सकते हैं कैसी आ रही है, बट ये मैट यूवी टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ. और इसे क्योर कराने के बाद आइए देखते हैं इसकी फाइनल लुक कैसी आई है. सो गाइज आप देख सकते हो हमारा मैट होता जा रहा है क्योर होते होते साथ साथ. और ये क्योर होने के बाद जो है हमारी फाइनल लुक जो है ये है. सो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना अगर अच्छे लगे तो. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइज. और हाँ, अगर आप चाहें आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है NAILDEZINER. ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग.